गर्मा गर्म भटूरे जो है यहाँ पर तल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। देखने में सुबह के बज रहा है, अभी 10 के आसपास हम लोग आए हैं माधुरी मिठाई की दुकान पे, जो आसानसोल में काफ़ी फेमस है। ओह लबाबदार, बहुत ही लजीज लग रहा है भाई। तो ये काबली छोला ना, काबली छोला और दिने এরকম মোটামুটি সারা দিনই চলতে থাকে নাকি? সকাল 8টা থেকে নিয়ে রাত 8টা পর্যন্ত। सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज माधुरी स्वीट्स और ये यू नो जीटी रोड के ऊपर है और मिलता है बहुत ही बढ़िया खाना है। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सारा दिन ये छोले भटूरे स्पेशली मिलता है और ये सारा दिन चलता रहता है। और क्या है ना कि 2 पीस रहता है, 2 पीस का दाम है 50 रुपये। लेकिन हमारे साथ जो मित्र हैं रॉबिन भाई, उन्होंने हाफ खा लिया, आधा खा लिए, तो आधा नहीं खा रहा हूँ। और यहाँ का वाइब जो है ना, वही पुराने रस्टिक एक वाइब होता है ना यार, वो वाइब है। और देखिए काफ़ी फेमस है और शांत है, जैसे होता है ना ये जो पुरानी बिल्डिंग 50 साल पुराने यार, ये मिठाई का दुकान है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैन वगैरह देख के कैसे लग रहा है कि कलकत्ता में ही बैठे हुए हैं हम और वहाँ पर बैठ के यार छोले भटूरे खा रहे हैं मिठाई की दुकान में बैठ के, वो भी हमको लगता है प्याज लहसुन सब डालते हैं। हाँ जी चलिए, ये है भटूरे का साइज़। कुछ बोल रहे थे कि बाद में यदि लेंगे 10 या 20 रुपए का कुछ फंडा है तो वो आप उनसे बात कर लीजिएगा, उस विषय में नहीं जाते हैं। 50 रुपए का 1 प्लेट मिलता है। हाँ जी, 1 क्लियर रखिए। और छोले हम आपको दिखाते हैं, ये काबली छोले, बांग्ला में तो काबली ही बोलते हैं। मस्त होता है, बढ़िया होता है और हमको लगता है ये प्योर वेज नहीं है, सिर्फ वेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आसानसोल का खाना। और ये वीडियो बहुत ही कलरफुल होगा क्योंकि यहाँ पर खाना मिलता है बहुत ही कलरफुल। चलिए चिकन मसाला भरपूर यूज़ किया गया, अदरक लहसुन प्याज गजब। टाइम मैं फिर से पूछ लिया कि सच में प्याज लहसुन यूज़ होता है? हाँ जी सच में प्याज लहसुन यूज़ होता है, काफ़ी टाइम से 50 साल से चल रहा है ये वाला खाना। एवरेज टेस्ट है, अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन बात है तो आपको छोले भटूरे ही मिलेंगे। हाँ मज़ेदार। एक बिग बैट लेते हैं, ऑयली तो सर होगा और थोड़ा स्पाइसी भी है। सुबह मिलता है, शाम को भी मिलता है, जब भी आओ आपको ये खाना मिलेगा। गर्मा गर्म छानार जलेबी, बांग्ला में हम लोग छानार जलेबी ही बोलते हैं और ये बहुत कॉमन सा एक स्वीट है अपना बंगाल में, हर जगह पर ये मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रोल करते हैं। यू नो डायरेक्टली मिठाई खाने से बेहतर है, टेस्ट ज़्यादा निखरेगा, ज़्यादा घुलेगा। आप यदि कचौड़ी पूरी नान किसी के साथ खाओ, ये मेरा खुद का एक खाने का फंडा है जी। अमेजिंग। चलिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। फूड एक्सप्लोरर नॉट फूड ब्लॉगर, तो एक्सप्लोर करने के लिए हम चले डायरेक्टली चित्रा सिनेमाहॉल के पास। प्रदीप दर चाय दुकान है और क्या खाने के लिए भाई, ब्रेकफास्ट खाने के लिए। यहाँ पर एकदम प्रॉपर बंगाली ब्रेकफास्ट मिलता है, जहाँ पर मिलता है बहुत ही बढ़िया राधा बल्लेवी, छोला दाल आलू देकर है ना, प्रॉपर बंगाली इसल, उसके साथ जलेबी। मोटा मोटा बात यह है कि इलायची वाला चाय पीना है और उसके साथ प्रॉपर बंगाली ब्रेकफास्ट करना है। और ये जगह शायद ही आप इससे पहले सोशल मीडिया पर देखे हो क्योंकि ये एक हिडन जेम है, बहुत सारे भीड़ था, अभी तो थोड़ा खाली हुआ इसलिए शूट हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो पूरा खचाखच था, पूरा भीड़ में लगा हुआ था। चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं। बोलते गले आमार गौतम बाबा उनी प्रथम दुकान चालू करेছিলেন চায় दुकान থেকে 74 থেকে 1974 তখন থেকে আরম্ভ। বাবা গত হয়েছেন 90 তে, তারপর থেকে আমরা হাল ধরি দোকানটা করার, সেই চেষ্টা এখন চালিয়ে যাচ্ছি, মানুষের কাছে ভালোবাসাটা পাচ্ছি। চা ছাড়া কি কি আছে? চা ছাড়া সকালবেলায় রাধাবল্লভী जिलापी, बिकालोलाई चॉप, सिंगाड़ा, गुटका कचौड़ी, निमकी इत्यादि ये सब गर्मा गर्म राधा बुल्लू भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जलेबी है, देन यहाँ पर क्या है छोला डाल, ओके ओके ओके, सोया बरी, आलू, छोले सब मिला के ना। तो प्लेट कितना है आपके इधर? 30 रुपये, 8 रुपये पर पीस। चलिए ये आ गया सब्जी। भाई सब्जी खत्म, टाइम अभी क्या है? ऑर्डर आया है ना, इसलिए वही 10:30 के 11 के आसपास सब्जी खत्म। फिर ये होता है, थोड़ा सा दीजिए, ये होता है प्रॉपर ऐसा जगह जहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है। लोग जन दीवाने हैं यहाँ के। अंदर में छत्तू का फीलिंग और ये बहुत ही खस्ता राधा वल्लभी और ये सब्जी, ये प्योर वेज निरामिष। यहाँ पर प्याज लहसुन का कोई काम नहीं। जब हम मुंह में डाले याद आ गया कलकत्ता का मिठाई का दुकान। हाँ जी, माधुरी में किया था, प्योर वेज नहीं था, और यहाँ पर प्योर वेज। ये देखिए सर, अंदर में सत्तू का फीलिंग, ठीक है ना। चलिए हम्म, 49 years old ये जगह। शुरुआत किए थे प्रदीप जाने चाय से और अभी कंटिन्यू हो रहा है उनके बेटे हर एक वेज आइटम। ठीक है जी, चाहता हूँ मैं ना चाव शेष ना चाह चाय दाम गौतम, चाय दाम 10 টাকা। क्या है ना भाई साहब, हम बेसिकली मैं कोई चाय लवर नहीं हूँ, चाय उतना मैं पीता भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जब भैया ने चाय को घुमा रहा था तब जो बेहतरीन सुगंध उभर के आए, क्या बताए। चलिए मिट्टी के कुल्लर में ये कटिंग चाय, कुल्लर का स्वाद, उसके साथ दूध, लेकिन थोड़ा यू नो 10 रुपए का चाय है, 15 रुपए तो नहीं है, थोड़ा सा वो पानी का थोड़ा वो है मतलब, लेकिन चाय एवरेज। चलिए ब्रेकफास्ट वीडियो ख़त्म करते हैं और जाते हैं लंच के वीडियो में। खाली जो है अनलिमिटेड स्वास्थ्य भलो बाजारे যাচ্ছেন মাছ মাংস কিনছেন আজকে আবার চলে এসেছি খালি খাওয়ার জন্য। जितना खा सकते, चावल डाल दो, सब्जी, भुजिया, पापड़, सलाद, नींबू, मिर्चा, घी, बेगुन फ्राई, जितना मैं चाहिए जितना मैं मिलेगा। कि हाँ, गंगा होटल के खाना थोड़ा महंगा है, यदि आप अच्छा खाना खाना चाहते हो तब तो थोड़ा तो महंगा पड़ेगा। हमारे पास जो थाली है भैया ये है 160 रुपये में अनलिमिटेड। गंगा होटल का जो एक्चुअल में इंचार्ज है प्रहलाद दा आज हमारे बीच में है। बताइए क्या क्या आज वेज स्पेशल में है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आलू पोस्तो, बांधा गोभी झाल, सोनामुगेर डाल, आमेर चटनी, बेगुन भाजा, पोस्त बड़ा, आलू भाजा, सलाद, पापड़। और এগুলো সব আনলিমিটেড, মানে পেট ভর, যতক্ষণ খেতে পারো যত খেতে পারো। 160 টাকা দাম, এটা কিছুই না। আপনি যখন এটা প্লেটে খেতে যাবেন তাহলে এটা 160 টাকা, এটা 250 টাকা থালি পড়ে যাবে আপনার। ভালো লাগছে তো? মানে आसानसोल आएंगे और गंगा होटल में नहीं खाना खाएंगे तो ये पाप लगेगा मुझे। चावल का क्वालिटी देखिए, एक नंबर। कौन सा चावल है ये? बासमती बॉयल राइस। स्टार्ट करा जाए, प्रथम बेगुन भाजा दिए खाई, साथ एक लंका नेब, प्रॉपर बेंगोली स्टाइल में खाना खाएंगे भाई। घी क्वालिटी खाऊंगी, पोस्त बड़ा, एक्स्ट्रा कर दी। पोस्त बड़ा कत टाका पड़े? 90 টাকা प्लेट एक पिस। और ये एखे एर साथे এটা তো রিপিট হবে না? না, ওটা রিপিট হবে না, তো थोड़ा सा मूंग दाल, साथ में बैंगन भाजा, तो एक पोस्त बड़ा दाम 90 टाका सेखाने आपनी एकदम एकदम पूरा फ्रेश सुंदर फटाफटी एक गड़ प्रॉपर बेंगली स्टाइल मुग डाल एक गड़ क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ा खाली है, नहीं तो इस टाइम में 1 बजे में पूरा भीड़ रहता है। और आलू पोस्त जेहतु बांगाली भाई आलू पोस्त छाड़ा होबे ना। आज के सकाल सकाल बाजार खुललें रेडी हो एक्टिव मानुष ये बयस अब्दी एक्टिव आमरा जो थाकते पारी अनेक बड़ो पुण्य करे फेलबो निजे हाथ एखो बाजार करो नाम तो एमनी एमनी गंगा बाबू ना ठीक है एकदम फ्रेश पैसा लेने देने बेपार रान्ना क्योंकि पूरा घर मत हाँ होटेल से ढकवाला रान्ना ना दारुण रान्ना मन एकदम आलू पोस्टर एक पत्ता गोभी उतना मुझे पसंद नहीं है लेकिन पोस्ट तो एक नंबर आशा सबसे एक्सक्लूसिव ये पोस्तो बड़ा मतलब पॉपी सीड्स का बड़ा और झूझूरा आलू भाजा कोई यदि बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं खाना है वैसे खाना है भाई आपके सामने इतना बेहतरीन स्वादिष्ट बंगाली खाना है तो आप रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाते जाओ चाहे दाल खाओ पोस्तो खाओ कुछ भी खा लो। भाई पेड़ा कोई बंगाली से जाके पूछो सोना मूंग दाल आलू भाजा उसके साथ बैंगन एक साथ जब खाएगा तुमको कितना ये पसंद आता है। बसिरहाटेर ओरिजिनल भेटकी आछे ओके এটা বসিরহাটের গলদা বাগদা চিংড়ি আছে বসিরহাটের বাগদা দাম দামগুলো বলে দাও এগুলো 480 টাকা ওটা 380 টাকা আবার এটাও এটা কত এটা 550 টাকা আজকের রেট আছে বাংলাদেশি ইলিশ হ্যাঁ খাসি 300 টাকা প্লেট এটা ফিক্সড রেট চিকেনও ফিক্সড রেট 180 টাকা ওকে কেউ যদি চিকেন আর খাসি সিঙ্গেল পিস চায় তার দেওয়া হবে হ্যাঁ ওকে আর এই কাতলা 90 টাকা প্লেট 90 টাকা থাকবে ओके तो जनाब ये है आपके सामने पूरा नॉनवेज का प्लेटर मछली का प्लेटर स्पेशली मछली है किंतु आज के नहीं आज क्योंकि हाँ सैटरडे है टैंगरा है पापदा है ओला के पाए चितल पेटी पिछली बार हम आपको दिखाए फ्राइड चितल माचर पेटी बहुत बढ़िया। तो ख़त्म करते हैं फिर आगे बात करते हैं भाई साहब गर्मी लेकिन है आसानसोल में लंच के बाद यार कुछ तो पीना चाहिए ना तो बस कोर्ट से बाहर निकले हैं और देखिए यहाँ पर लस्सी का दुकान 1 2 3 दुकान क्यों है सर दुकान तो एक ही था काफ़ी पुराने ये दुकानें हाँ जी लेकिन अभी ये 3 भाई हैं डिवाइड हो गया तो मेन जो यहाँ का दुकान है वो है बीच का वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा लस्सी पियेंगे दिन यहाँ से निकलेंगे। और ये लस्सी सिर्फ लस्सी नहीं है बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर डाला जाता है जैसे कितने साल पुराना है ये आपका 48 साल भाई यहाँ का स्पेशलिटी है कि आपको यहाँ पर टूटी फूटी काजू किशमिश बहुत सारे रुआवजा बहुत सारे फ्लेवर में बहुत सारा चीज़ डाला जाता है। और यहाँ पर 2 तरीके का यहाँ पर 2 ग्लास एक बिग और स्मॉल बिग होता है सर ये एक बिग वाला उठाइए ये होता है बिग और स्मॉल होता है ये। चलिए अभी हम अपना नमकीन वाला 35 रुपये वाला इसको घोल बोले या लस्सी लस्सी रहता है अच्छा जी घोल हो जाता है पानी का पतला 2 गिलास बना दीजिए हमारे लिए और रॉबिन भाई के लिए। रॉबिन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया एकदम देख रहे लस्सी देखे सारी गर्मी बात थोड़ा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालना होगा क्योंकि बर्फ़ तो नहीं है हाँ। एकदम सही बात है थोड़ा पतला करना ज़रूरी है पीने से एकदम सही बात है पसंद नहीं आएगा एकदम। चलो जी घोटना हो गया कम्प्लीट और अभी क्या क्या जाएगा गुलाब पानी थोड़ा सा कम डालिएगा ठीक है ओके। चलिए महाराज तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पर लस्सी बना सकते हैं। हाँ जी, कोई भी बना सकते हैं। शुगर, नमकीन, चीनी, थोड़ा सा पानी, सही बात है। और यदि थोड़ा सा शुगर फ्री डालने को बोले आपको चलेगा, थोड़ा सा डाल दीजिए तो प्रॉपर लस्सी इसी को ही बोलते हैं। अरे वही ब्रांडेड, थोड़ा सा डालिएगा महाराज, चलिए एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बीट नून, बांग्ला में हम लोग बीट नून बोलते हैं। सब दिया हुआ, अच्छा मसाला भी डाला हुआ, बढ़िया है। जलजीरा, गोलकी, बढ़िया है सर। एक प्लेन दीजिएगा। चलिए ये आ गया अपना महाराज लस्सी शुगर फ्री के साथ, बढ़िया। क्या क्या डालेंगे? मलाई तो चाहिए ना, पहले मलाई जबरदस्त। जी जाएंगे आप चेरी रेड, अच्छा टूटी फूटी, थोड़ा यार नंबर डालो। किशमिश ये डाल सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। और अभी क्या टूटी-फूटी थोड़ा एकदम बस। काजू डालते हैं इसमें? अच्छा सब में काजू डालते हैं। ये नारियल पाउडर होगा, नारियल। अरे जबरदस्त यार, ये तो लस्सी नहीं अमृत हो रहा है भाई, अमृत हो रहा है। काजू, हाँ काजू। जो लोग कलकत्ता में बैठ के बोल रहे कि बड़ा बाज़ार में अच्छा एकदम बढ़िया लस्सी मिलता है, गलत। बढ़िया तो सर आसनसोल में मिलता है। लो जी अपना लस्सी, हाँ जी एकदम लोडेड लस्सी है। देखिए महाराज भरपूर, दोनों बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और वगैरह देकर भरपूर सिप लेते हैं। आसनसोल कोर्ट के सामने, बढ़िया। दस में से 10। रेस्टोरेंट काफ़ी स्पेशियस है। इस साइड में सीटिंग की व्यवस्था है और आगे जाके लेफ्ट में इस साइड में काफ़ी बड़ा सीटिंग का व्यवस्था है। और ऊपर में एक बैंक्वेट हॉल है पार्टी वगैरह के लिए, जो यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है। कोर्ट एरिया से डायरेक्टली हम आ गए BNR चौक, और BNR चौक में आके मुझे बहुत ही बढ़िया ये रेस्टोरेंट मिला। नाम है निलंजना रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मिलता है हर एक मतलब मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। आपको यहाँ पर इंडियन मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, चम्पारण भी मिलता है। हमने ऑर्डर किया यहाँ पर स्टार्टर में लेमन पेपर चिकन कबाब, छोटा छोटा काट पीस में लेमन भी दिया गया। पहला डिश फ्रॉम निलंजना रेस्टोरेंट, तो दाम है 240 रुपये। अब एक नंबर खतरनाक है भाई ये चीज़। ऊपर में देखिए गार्निशिंग बहुत ही बेहतरीन चीज़ से, और मैरिनेट जो किया भाई साहब कितना नरम। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा नींबू निचोड़ के इसको खाइए तो भैया बड़ा मज़ा आएगा। पूरा जो मेन कोर्स है वो हम ले लिए। यहाँ पर है चिकन लबाबदार, इतना सारा पुरुष 300 के ऊपर इसका दाम है, तो 3 जन आराम से खा पाओगे। और हमारे पास है लखनवी पनीर, ठीक है ना जी, ये भी 200 रुपये के अंदर इसका दाम है। और यहाँ पर है कुलचे, पनीर मसाले कुलचे 80 रुपये के आसपास। और यहाँ पर है नान, चीज़ नान, बटर चीज़ नान, जिसका दाम है 50 रुपये के आसपास है, 55 होगा। हाँ जी, तो चलिए खाना करते हैं स्टार्ट। चिकन तो लेंगे, पनीर पहले खाएंगे, गर्मा गर्म पनीर। स्टार्ट करते हैं खाना। लास्ट जो है चम्पारण मटन, और एक पीस का 80 रुपये दाम है। भाई आसानसोल एक हार्डकोर फूड लवर एरिया है, और यहाँ पर खाने का कल्चर इतना कलरफुल है ना, क्या बताएं। पनीर ये चीज़ लखनवी एक नंबर फाटाफाटी। पनीर देखते हैं कितना गजब है, प्रॉपर ये मलाई वाला पनीर है। और अभी ट्राई करेंगे लबाबदार, थोड़ा इधर आइए सर। ग्रेवी थोड़ा लेते हैं, गार्निशिंग इनका एक नंबर है, प्रेजेंटेशन भी एक नंबर, और मेन चीज़ भाई एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, लबाबदार। ट्राई करते हैं। सुपर। हाँ भाई चिकन का प्रिपरेशन लाजवाब। हाँ जी। पर मसाला कुलचे से भी खाएंगे। कुलचा कम पिज़्ज़ा ज़्यादा हो गया। अंदर का स्टफिंग, ओहो हो, एक बाइट देते हैं और जो स्वाद है उसका मज़ा लेते हैं। ऐसे ही खा जाओ, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करेंगे, वो है ये कबाब, बहुत सही जाएगा इसमें। यार इनका जो डेडिकेटेड आउटलेट खुला है, ये ख़त्म करने के बाद उधर जाएंगे, देखते हैं पटना वाला स्वाद इधर है या नहीं। ठीक है ना। पहले जी ग्रेवी से करेंगे रोटी ट्राई। ज़रूरत था तवा रोटी का, उधर जाएंगे तो तवा रोटी से खाएंगे और चावल से खाएंगे। स्मूथ मसाला, ग्रेवी में स्वाद बहुत गजब का है। मटन का पीसेस काफ़ी अच्छा है। पर ये है पोर्शन, देखिए मटन का, देखिए बहुत ही सही मटन है। रियाजी खसी यूज़ किया गया, जो पटना में बहुत ही कम यूज़ होता है। चलिए बंगाल में हो सर तो बंगाल का टच तो थोड़ा रहेगा, क्योंकि बंगाली जो है रियाजी मटन खस्सी बहुत पसंद करते हैं, बिरयानी में भी, कोई भी डिश में। और हमसे देर नहीं हो रहा है, फटाफट इसे ख़त्म करके उधर चलते हैं भाई। आसानसोल का खाना मतलब फूड कल्चर बहुत ही कलरफुल है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह का लोग जो है ना दुर्गापुर आसानसोल में रहते हैं, और उन्हीं का ही ये एक नतीजा ये है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर हंडी मटन मिलेगा। भैया कहाँ से है यार? मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। अब बिहार से आए हो बंगाल में ये हंडी मटन बनाने के लिए? हाँ जी। क्या क्या डाले हैं इसमें? इसमें प्याज है, मटन है, मसाला है, लहसुन है, मिर्चा है, हलवा के तेल है, घी है। इसका दाम क्या रखे है? ओजन में देते हैं या पीस में देते हैं? इसमें 80 रुपये पीस। 80 रुपये पीस? हाँ जी। सर में क्या है? इसमें चिकन है। चिकन भी करते हैं? चलिए दिखाइए जनाब। ओह लाजवाब, कलर वालर बहुत सही है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं ना? हाँ, मस्टर्ड ऑयल और घी मिक्स करके। अरे बढ़िया सर। भैया दुकान का नाम है निलंजना चम्पारण मटन, और चित्रा सिनेमाहॉल के एकदम उल्टा साइड में जो फूड कोर्ट है ना भैया, बहुत सारे आपको खाने के स्टॉल मिल जाएगा। उनमें से एक हिडन जेम, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक आहूना मटन। भाई मटन का पीसेस देखिए, और पीस का दाम है 80 रुपये। तो कोयले के आँच में बेहतरीन पकाया हुआ ये मटन। हाँ जी, एक दफ़ा ओनर से भी बात कर ले। एकदम बंगाल की मिट्टी में असली ऑथेंटिक बिहारी स्वाद कहाँ से ढूंढ के निकाली है इसे? एक्चुअल बात ऐसा है ना, रेस्टोरेंट बिजनेस हम लोग का है बहुत पुराना, यहाँ से आसानसोल से जुड़े हुए हम लोग। 2010 में बीएनआर में निलंजना रेस्टोरेंट बोलकर चालू किया था। तो क्या है, खाने का शौकीन हम खुद हैं, हम बाहर जाते हैं, बहुत स्ट्रीट फूड हुआ, जहाँ का भी अच्छा अच्छा खाना, जो भी ट्रेडिशनल फूड है, कहीं पर भी बहुत अच्छा ट्रेडिशनल फूड चलता है। जब भैया फूडी है। हाँ एक्चुअली, ये ट्रूली आई कॉन्फेस कि ये हम फूडी है थोड़ा सा। तो इच्छा था, शौक़ था कि सब जैसे रेस्टोरेंट चलता है वैसे नहीं, कुछ अलग हट के कुछ एक तो अलग से किया जाए। तो हम लोग बीएनआर में हम लोग जो रेस्टोरेंट है, हम लोग ये छोटे से पहले एक बार ट्राई किए कि क्या होता है देखें। तो इतना अच्छा कस्टमर का रिस्पॉन्स देखे, खाली इसी का कॉन्सेप्ट लाए। वहाँ हम लोग का जैसे कुसाइन है, चाइनीज़ है, तंदूर है, मल्टी कुजीन है। तो हम लोग यहाँ पर खाली हटा के खाली इसको चम्पारण मटन का ही एक तो मतलब डेडिकेटेडली ये चम्पारण मटन का ही आउटलेट हुआ है। एकदम एकदम साथ में जो बिरयानी वगैरह भी है, तो राइस लगेगा, रोटी लगेगा, वो साथ में खाली वो साइड डिश एज अ साइड डिश वो रहेगा, लेकिन मेन कोर्स में एकदम चम्पारण मटन का, हंडी मटन का ही स्वाद सबको मिलेगा। और जो एकदम मेडिकली किसी को मना है मटन मत खाइए, उसके लिए कुछ चिकन हम लोग रखे हैं, लेकिन हंडी चिकन उतना तो दिल से नहीं बोल रहे कि हंडी चिकन नहीं बनाएंगे, हमको बनाना है मटन। जरूरी के लिए बनाना पड़ा है, ये बात है। तो हम खुद तो बहुत लाइक करते हैं, हमने खाया, हमने देखा, हमने टेस्ट किया। मैं सोचा कि मेरा ये फीलिंग सबका साथ शेयर करें बिना कोई देर किए। चलिए पहले आपको मटन दिखाते हैं। निकालिए सर। ओहो जी, ये है आपके सामने चम्पारण मटन, वही इसका हुना मटन। क्या कलर खिला है सर, कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया सुगंध निकला है। थोड़ा इसको निकालो दादा, लहसुन है ना, चलिए लहसुन एकदम लास्ट में देना है आपको, ठीक है। पहले एक नल्ली और चाप, सबका पीस एक एक करके चाहिए, डालिए। हाँ बढ़िया, ओके। एक नल्ली वाला पीस निकालिए वहाँ से, चाप है ना, ये भी निकालिए, चाप भी निकालिए। हाँ सही है, एकदम रखिए, बहुत बढ़िया। और एक नल्ली वाला वो जो साइड में, हाँ ओके जी। कलेजी है इसमें, हाँ ठीक है। और ये वाला पीस दे दो, हाँ जी दे दो। और लहसुन एक गोटा एकदम दिखाई। ओह, इसको बोलते हैं चीज काका, मटन में यदि गोटा लहसुन रहेगा तभी तो मज़ा आएगा। चलो जी, ये आ गया अपना। अभी ऊपर से थोड़ा आप ग्रेवी इसमें डालो। ये काका, चलिए भाई, आसानसोल में कुछ भी आप खा लो वो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इस दुकान में भाई साहब एक एक पीस आपको 80 रुपए का विथ ग्रेवी। तो पहले ग्रेवी ट्राई करेंगे रोटी से, सेम टू सेम फील, स्वाद आते हैं या नहीं। बिहार का हुना मटन जो है ना, उसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है खारे मसाला का, बहुत ही बढ़िया पांच आएगा, ठीक है। और सरसों का जो तेल है उसका हम लोग बाना छाछ आना चाहिए सर, बराबर है एकदम, फूलन बराबर है, ठीक है ना जी। बंगाल में बैठ के पटना का ऑथेंटिक अहुना मटन ढूंढने का जो मेरा प्रयास है वो ख़त्म हुआ। बहुत ही बढ़िया A1 क्वालिटी का आसानसोल में मिल रहा है। ये तरह मटन का क्वालिटी दिखाते हैं सर, देखिए छूट जा रहा है भाई साहब, इतना नरम है, पकवान एक नंबर। और जो मसाला डाले हैं बहुत ही बैलेंस्ड मसाला, मटन का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया। जो खुशबू निकाल के आ रहे हैं भाई साहब, अच्छी क्वालिटी का मटन खाना सबसे बड़ा चीज़ ये है, खुशबू जो है ना बहुत ही उमदा निकल के आते हैं सर। और इसमें वो कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत ही सही मसाला का टेस्ट, उसके साथ मटन का फ्लेवर, हाँ जी एक नंबर। यदि आप भी चाहते हो घर में बैठ के बढ़िया हुना मटन बनाने का, एक तरकीब है मेरे पास, बहुत ही आसान, मटन पॉट, ठीक है ना जी। ये वाला चीज़ आप खरीद लो, घर पे आप खुद बना सकते हो, वो भी बर्तन में। मतलब वहाँ पर ना आपको मिट्टी का बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर का जो बर्तन है उसमें ही आप इसको बना सकते हो। तरीका बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है। जैसे आप मान लो कि घर में बना रहे खिचड़ी, इतना ही आसान है। ये चीज़ घर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और साथ में रेस्टोरेंट के लिए भी। और कैसे आपको ये खरीदना है, अमेज़ॉन तो सर है ही, उसके अलावा इनका खुद का वेबसाइट है, वहाँ से ले सकते हो, या फिर ऑफलाइन फ़ोन करके भी आप ले सकते हो। और लहसुन का बाइट नहीं लेंगे सर, ये हो नहीं सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पार्ट यही है। रसगुल्ला, नरम नरम रसगुल्ला, ठीक है ना। इसके अलावा 80 रुपए में आपको एक पीस चिकन देकर कलकत्ता स्टाइल बिरयानी मिल जाएगा विद आलू के साथ। बिरयानी का कलर बहुत ही सही निकला है, खाते हैं शेफ है ना, हाथों में जादू है। बढ़िया अहुना मटन और बढ़िया कलकत्ता स्टाइल बिरयानी, प्रीमियम सेगमेंट में है लेकिन 80 रुपये में मिल रहा है, ये मेरा गारंटी। कितना नरम है सर, कितना नरम है, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, बस यही गुजारिश है ओनर से। और इतना बढ़िया बिरयानी होना चाहिए, तो राइस उसके ऊपर चिकन, उसके ऊपर आलू। चलिए बिरयानी इन सेंड बाइट नहीं, यदि हम देंगे हम काहे का बंगाली सर। चलिए फर्स्ट क्लास।